आर योर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इम्प्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इम्प्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो. इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके. चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में लिक्विड सॉल्यूशन में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे, राउट्स लॉ देखा था, टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारा डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब जनरेट होती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, वो चीज एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं. सबसे पहले देखिए, जब हम लोग लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था एक वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट, उसमें हमने राउट्स लॉ अप्लाई किया था. अभी यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. तो देखिए, यह होगा क्या, जैसे एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में हमने अभी प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल इन नेचर है. तो अगर एक प्योर सॉल्वेंट लिया, वो वोलेटाइल नेचर है, तो उसका कुछ यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा. लेट हमने अज्यूम किया कि वेपर प्रेशर यहाँ पे पी नॉट क्रिएट हो रहा है. फिर हमने इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है और सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और हमने वेपर प्रेशर मेजर किया, तो वेपर प्रेशर हमें मिला है पीएस. तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि वहां पर हुआ क्या है, इनिशियली जब प्योर सॉल्वेंट था उस वक्त सरफेस एरिया पूरा हर एक पॉइंट से वेपरेशन हो रहा था, तो वेपर प्रेशर बहुत हाई था. लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ पार्टिकल यहां पे सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे. सरफेस के जिस पॉइंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल कलेक्ट होंगे, वहां से इवेपोरेशन ब्लॉक हो जाएगा, तो वहां से कंपैरेटिवली इवेपोरेशन का रेट पहले से कम हो जाएगा और नंबर ऑफ वेपर्स क्रिएटेड भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से यहां पर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो यहां पर आप दोनों के वेपर प्रेशर को मेजर करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा कि वेपर प्रेशर पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ग्रेटर होगा. इसी वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, इसी वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन चेंजेस, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वी हैव फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. वन इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आज हम ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर होने वाला क्या है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, यहाँ पर इनिशियली वेपर प्रेशर पी नॉट था, बाद में लोअर होकर वेपर प्रेशर कितना हो गया पीएस. तो यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ है, लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज हाउ मच, पी नॉट माइनस पीएस. और हमें क्या फाइंड करना है, रिलेटिव लोअरिंग. तो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज हाउ मच, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पी नॉट, P not minus TS divided by P not. ये हमारा क्या हो जाएगा, relative lowering of vapor pressure. और ये lowering किस चीज पे depend करेगी, जितना भी solute का amount आपने वहाँ पे solution में add किया होगा, ये उस चीज पर depend करेगा. तो ये relative lowering of vapor pressure is equals to the mole fraction of solute added. Solution में जितना भी mole fraction होगा, ये इनका relative lowering of vapor pressure हो जाएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है भाई, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना है. ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर. ठीक है, अच्छा दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में. एक बार आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, तो आप और क्या निकाल सकते हैं, और हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 1000 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट into relative lowering of vapor pressure. This is formula of molarity. तो कभी कभी आपको molarity भी calculate करने को आता है, वो भी आप इस formula से directly, सारे formula आप note करते जाए. Actually ये chapter भी actually numerical based chapter है, conceptual भी है और इसके numericals भी आते हैं, तो आपको formula अच्छे से याद होने चाहिए और concept की clarity भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद second qualitative property हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, that is name as elevation in boiling point.
होगा क्या, इनिशियली वेपर प्रेशर P नॉट था, बाद में वेपर प्रेशर डिक्रीज होके PS हो गया। हमें पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर इस एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने अज्यूम किया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर TV नॉट था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर TV है, तो यहां पर होगा क्या, किसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाउ मच, डेल्टा TV, और वो डेल्टा TV कितना होगा, TV माइनस TV नॉट के इक्विवेलेंट। और ये जो एलिवेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अब उस अमाउंट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। यहां से हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, डेल्टा TV इज इक्वल्स टू KB इनटू M। हियर KB इज व्हाट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और यू कैन आल्सो यू कैन से इट इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका लैटिन नेम है, आपको याद रखना होगा, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज KB, और इस KB की वैल्यू कितनी होती है, KB इज व्हाट, RT V square divided by 1000 LV, RTV square divided by 1000 LV। यहाँ पर LV क्या है, latent heat of vaporization, TV क्या है, solvent का vapor pressure हो गया, और R is gas constant। यहाँ से हम लोग KV निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे formula याद रखिए, इनको आपको सीधे सीधे use करने को आएगा। ये हमारा second colligative property था, elevation in boiling point। चलिए come to third colligative property। Third colligative property is depression in freezing point, depression in freezing point। तो अगेन वेपर प्रेशर इन डिक्रीज करेगा, और सॉल्वेंट का हमने फ्रीजिंग पॉइंट अज्यूम किया कि TF है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सॉल्वेंट का TF नॉट एंड सॉल्यूशन का TF है, और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन आएगा, लाइक दैट। यानी जो किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, वो उसके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो यहां पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा। तो अब यहां पे हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डिप्रेशन। यहां पे क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस किया है, डिक्रीज किया है, तो कितना डिक्रीज किया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, पहले इनिशियली हाईएस्ट कितना था, TF नॉट, बाद में डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, TF, यानी इतने का चेंज होगा, और इसी चेंज को हमने क्या बोला है, डेल्टा TF, एंड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अगेन हमने यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, तो यहां पे हमें कांस्टेंट मिल जाएगा KF। दिस KF इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इस KF की वैल्यू होती है R TF square divided by 1000 LF। यहाँ पे TF क्या होगा, solvent का freezing point है, और LF is latent heat of fusion। ये आपका definition in freezing point है, ये relations याद रखिए, directly questions आते हैं, इनको आपको use करना है, value putting होती है only। फिर हमारी fourth colligative property है osmotic pressure, osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए, जानने से पहले आपको छोटी छोटी कुछ चीजें और जाननी चाहिए, जैसे कि SPM, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक टाइप का फिल्टर पेपर होता है, ये एक स्पेसिफिक फिल्टर पेपर है जो बिगर पार्टिकल साइज लाइक सॉल्यूट को वो पास नहीं करता, पर स्मॉलर पार्टिकल साइज लाइक सॉल्वेंट को वो इजीली अपने में से पास करता है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, जब आप एक कंटेनर में, आप इस तरह से यहां पर हमने इस तरह का सेटअप लगाया, ये यहां पे बीच में क्या है, दिस इज SPM, यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट, यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें पता है P नॉट है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है। ये आपका क्या था, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। हमने बताया कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, P नॉट का, और PS का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। और आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि लिक्विड, जो भी आपका मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल होता है, वो कहां से कहां होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेंगे वाया SPM। इस टेंडेंसी को ही, दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल वाया SPM टुवर्ड्स सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। दिस मूवमेंट इज व्हाट, नोन एज ऑस्मोसिस, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर हमने, अगर हम चाहते हैं यहां पर कि ये मूवमेंट जस्ट स्टॉप हो जाए,
तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, तो मिनिमम प्रेशर हम किधर से अप्लाई करेंगे, टुवर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की साइड से, और उस मिनिमम प्रेशर को हमने उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको हम लोग पाई सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी आर टी, यहां पे पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पर इजीली ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशंस को फर्दर थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देयर आर टू फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और आइसोटोनिक। इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर उनको हम लोग आइसोटोनिक कॉल करेंगे। सेकेंड, लेट हमारे पास दो लिक्विड थे ए एंड बी, और इफ पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी, इन दैट केस जिसका वेपर प्रेशर ग्रेटर है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, उसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका वेपर प्रेशर लो होगा कंपैरेटिवली उसको हम लोग कॉल करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये दो टाइप, तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक वो होता है जहां पर लिक्विड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको ये चीज याद रखनी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर हम यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दें, देन व्हाट विल हैपन, सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो एसटीएम से पास होके किधर आ जाएंगे, सॉल्वेंट के कंटेनर में, और सॉल्यूट पार्टिकल यहीं पर रहेंगे। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग घरों में मिनरल वाटर वगैरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वहां पर हम लोग जो टैप वाटर से, वो टैप से वाटर आएगा, उस वाटर को हम लोग इस कंटेनर में लेते हैं, उसमें से प्योर वाटर इस तरफ चला जाएगा और उसमें जो भी डस्ट इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी वो इस कंटेनर में डिपॉजिट हो जाएगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे होते हैं, एसटीएम। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। By this technique, we can prepare, we can clean water और उसको usable और drinkable water form कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास next आता है, ये हमारी सारी colligative properties होगी, लेकिन ये सारा colligative property अभी हमने जो study किया हुआ है वो ऐसे non-volatile solutes के लिए study किया है जो कैसे थे, non-dissociative। तो चलिए अब हम लोग next चीज देखते हैं, next concept is what, next concept is Van 't Hoff factor, next concept is Van 't Hoff factor, इसको हम लोग आई सिंबल से इंडिकेट करते हैं। Van 't Hoff factor का इवोल्यूशन कब होता है, हमें हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो बेसिकली तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह के कौन कौन से, पहला डिसोसिएटिव, दूसरा एसोसिएटिव, और थर्ड इज Neither associative nor dissociative, जिसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन तरह के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकते हैं। आई का इवोल्यूशन एक्चुअली इन्हीं के लिए हुआ था, अभी तक हमने जो कुछ भी पीछे पड़ा है वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे, इसीलिए हमें आई की जरूरत फील नहीं हुई, क्योंकि इनके लिए आई का वैल्यू क्या रहता है, इनके लिए आई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रहती है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएटिव है, यानी डिसोसिएट हो सकता है, तो उसके लिए आई हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। अगर कोई सब्सटेंस एसोसिएट हो सकता है तो उसके लिए आई हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1। तो अभी तक हमने जो केसेस देखे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, इसीलिए हमें आई की वैल्यू फील, आई की प्रेजेंस वहां पे फील नहीं हुई। लेकिन यहां पर डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव होता है, जहां पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है वहां पर आई का भी एग्जिस्टेंस आ जाएगा। तो आई एक्चुअली है क्या, आई एक्चुअली होता क्या, जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका एक्चुअल एक मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और जब वो एक सोल्यूशन में, आप जैसे वाटर में KCl को डिसॉल्व किया, तो उसके मॉलिक्यूलर मास का, जब उस सोल्यूशन के अंदर उस KCl का एवरेज मॉलिक्यूलर मास जब आप फाइंड करेंगे, तो आप वहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कंपैरेटिवली क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। वो डिपेंड करता है कितना डिक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, ठीक है। तो वो डिक्रीज कर चुका है, तो वो जो डिक्रीज हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं Van 't Hoff फैक्टर, ठीक है भाई। तो मैं आपको तीनों का एक एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, तो तीनों के केस को आपको समझना है, फिर इनको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे हम लोग सबसे पहला केस ले रहे हैं,
केस हुआ डिसोसिएटिव, जैसे कि हमने यहां पर NaCl लिया, NaCl जब डिसोसिएट होता है तो ये क्या देगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, इनिशियली ये 1 था 0, फिर आफ्टर डिसोसिएशन 1 में समथिंग अल्फा डिसोसिएट किया और यहां पर कितना बना अल्फा, तो I का वैल्यू क्या होगा, मोल टोटल मोल, इवन टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल बिफोर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन, तो फिर हमें पता चला यहां पर कि टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे, तीनों को ऐड कीजिए तो वो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 इज हाउ मच 1, तो आपको यहां से i का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 प्लस अल्फा, और आप देख सकते हैं कि अब ये अल्फा डिपेंड करता है डिग्री ऑफ उनके आयनाइजेशन पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, अगर ये 100% डिसोसिएट किया होगा, इफ अल्फा इज 100% इसका मतलब यहां पे अल्फा इज हाउ मच 1, तो अल्फा 1 रखेंगे तो इस केस में i का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दैट इज ग्रेटर देन 1, आप इस रिलेशन से भी समझ सकते हो कि अल्फा कुछ भी रखा जाएगा 0 या उससे कुछ भी बड़ा, वो हमेशा 0 से जितना भी ग्रेटर रहेगा i के वैल्यू 1 से उतनी ही ग्रेटर रहेगी, यानी i हमेशा क्या मिलने वाला है ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो डिसोसिएशन में आपको हमेशा ये फार्मूला यूज करना है, अच्छे से इसको याद रख लीजिए, इसको आपको एवरी टाइम यूज करना होगा, डिसोसिएट करते समय आप इनिशियल मोल हमेशा 1 लेके चलिए, 1 से आपकी इजीली सॉल्विंग हो जाएगी यहां पर, ठीक है भाई। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड थिंग थी एसोसिएशन, एसोसिएशन में आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कब कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा, ये आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है, तो डिसोसिएशन तो सारे इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट डिसोसिएट होते हैं, बट देयर आर सम इलेक्ट्रोलाइट जो ऐसे भी होते हैं जो सम टाइम एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि वो केस क्या है, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इसको आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में अगर डाल दिया तो ये क्या होता है, ये पॉलीमराइज हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जैसे कि आपने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डाला जाए तो इट विल डाइमराइज, कैसे, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड dimerizes and gives one mole of one molecule of this molecule. तो initially अगर ये 1 था ये 0, 1 में something alpha dissociate करेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा alpha by 2. तो अगर हम यहाँ पे i निकालें तो i again वही है mole after association, total mole after association कितना होगा 1 minus alpha by 2 and mole before association कितना हो गया 1. यहाँ से आप देख सकते हो 1 is i is what 1 minus alpha by 2. अब अगर 100% एसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन हम 1 रख सकते हैं, यहां 1 रखिए तो आपको देखिए आई क्या मिलेगा 1/2, इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आई हमेशा कैसा होने वाला है लेस देन 1, तो आई अगर लेस देन 1 आ रहा है तो एसोसिएशन है, या एसोसिएशन है तो आई हमेशा कैसा आएगा लेस देन 1, ये दो तरह के आपके पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के फिनोमेना होंगे, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो उस केस में आई को हम क्या अज्यूम करेंगे 1, तो अब हमें ध्यान रखना है कि अब हमारी नई सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर से वापस हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में उसको डिफाइन करेंगे, तो हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई टाइम्स हो जाएंगी, यानी सबसे पहले R L V P क्या था P naught minus P S divided by P naught is what I times mole fraction of solute, second colligative property elevation in boiling point what delta T B is I times of K B into M, depression in freezing point what delta T F is I times K F into M, और लास्ट में आता है osmotic pressure that is what pi is equals to i times crt, ये हमारे पास चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से फिर से डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह की कॉम्पिटिटिव सेक्शन से अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया जाए तो हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली बहुत ज्यादा उसको फेस करेंगे, ये आप सीधे-सीधे नोट कर लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टीज आई टाइम्स हो जाएंगी। अब चलिए वो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपको हमने क्वेश्चन दिया है NaCl है और हमने यहां पर K2SO4 लिया है, ठीक है, NaCl और K2SO4, इसका NaCl का I आप निकालोगे 2 आएगा और इसका I निकालोगे 3 आएगा, आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करने, ध्यान रखिए बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बोला मैंने, ना कि मैंने क्या बोला डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, जितने भी डेल्टा टीबी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, डेल्टा टीएफ है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, आई के। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो फिर उस केस में किसका आपको बताना होगा कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात अगर की जाएगी तो टीबी डेल्टा टीबी अगर आपको याद है ये क्या था, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज किया होगा कितना, टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और टीएफ क्या था आपका, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब हमें क्या है यहाँ पे, हमें कंपेयर करना है यहाँ पर सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और आई। तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इन दोनों में से अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर इसको वन बोले इसको टू बोले तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, टू इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं सॉल्यूशन का, यहां पर देखिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ है लेकिन उसके बाद क्या लगा हुआ, माइनस साइन, यानी टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने में लग रहा है आई के लेकिन वो माइनस साइन है, यानी जितना आई बढ़ेगा टीएफ डिक्रीज करेगा। तो हम यहां से कंपेटिवली बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो किसका ज्यादा आएगा, वन का ग्रेटर आएगा टू से। इस तरह से आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह कंपेयर करने को आ सकता है सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, सॉल्यूशन का पूछा है सॉल्वेंट का पूछा है या फिर डिप्रेशन और एलिवेशन के बारे में पूछा है, जैसा जो क्वेश्चन पूछा है वैसा ही उसको आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ये चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको ध्यान से देखना है, अगर आप कुछ भी एडिशनल चाहते हो जिसको आपको लगता है कि रिवीजन में आपको हेल्प की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हमें क्या चीज वहां पे आपको फर्दर और उसके वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।